एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और इतनी बड़ी मस्जिद गिरी उसके बाद वहाँ एक भी मलबा नहीं बचा, एक भी ईटा नहीं बचा। दरोगा हमको रोक लिया और पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो हमने उसको सहजता से बताया कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ के आ रहे हैं। कार सेवक थे, मतलब एक अगर ऊपर का ईंटा तोड़ रहा था तो दूसरा उसके नीचे और तीसरा उसके नीचे तोड़ रहा था। जब हम ढांचे पर से हम अपनी बात बताए गिरे, तो हमारे साथी ये घर आके बताए कि ये राजकुमार ढांचे पर चढ़ा था फिर कहाँ गया, इसकी सूचना मेरे घर नहीं आई, तो मेरी माँ ने समझा कि मेरा बेटा मर गया। इस तरह की सूचना गई होगी कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई। वैसी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वज को स्मरण करिए। आपके पूर्वज जो कि सुनने में आता है ऐसे कि बहुत बार चर्चा में आई कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान रामलला का मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और कल ही इसका पूजा भी होने को है। और अभी मैं वाराणसी के औरंगाबाद क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ कार सेवक राजकुमार पटेल जी हैं। कार सेवक कहना कहीं ना कहीं हद तक सही है, लेकिन मैं अपने तरफ से इनको राम सेवक संबोधित करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। चूंकि इनका कहना है, इनका मानना है कि मैं जब उस समय युवा था तो उस समय बाबरी मस्जिद को गिराने में अपना सहयोग दिया था और मंदिर के निर्माण में एक ईंटा हमने रखा था। तो क्या कुछ वो कहानी था, और एक दौर वो था जिस समय कार सेवकों पर गोलियां चली गई थी, और आज का जो दौर है, युवा दौर जो है, इसमें पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा हो गया कि सारे युवा जो है जय श्री राम बोल रहे हैं। अब जो कोई युवा जो है गाना जो सुनता है वो सिर्फ भगवान का ही गाना सुन रहा है। ये ऐसी स्थिति क्यों बदल गई, हम इनसे ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम इनके जानते कि ये जब युवा अवस्था में थे और वाराणसी से अयोध्या जाना, उस समय कनेक्टिविटी का यानी कि संसाधनों का कमी था। तो सबसे पहले जय श्री राम राजकुमार जी, चूँकि आपने इस तरह की योगदान दिया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम अपने चैनल के तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। उत्तम सवेरा एक भारतवर्ष के लिए उत्तम सवेरा लेकर आया कि कल मेरे प्रभु श्री राम आ गए, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। वह सौगंध मेरा पूरा हो गया। वह सौगंध पूरा करने का काम अपने मोदी जी और योगी जी, बकिया सरकारें बहुत आती जाती हैं, अटल जी की भी सरकार आई लेकिन गंगा जमुनी तहजीब में बह गई, लेकिन यह मोदी जी, यानी मानो मोदी जी को हम क्या किस नाम किस शब्द से संबोधित करें कि एक ऐसे मोदी जी जिन्होंने प्रभु श्री राम को लाने का काम किया। लाने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम तो कण कण सभी के अंदर हैं, लेकिन जिस भगवान के देश में, राम के देश में प्रभु श्री राम इस राष्ट्र की आत्मा में, हर आत्मा में राम बसते हैं, तो आप समझिए कि प्रभु श्री राम के देश में राम का मंदिर ना हो। आज अपने छोटे से घर के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के देश में राम का भव्य मंदिर अगर मोदी जी ने राम जी को दिया है तो हमारे लिए भी राम जी ही हैं, मैं ये मानता हूँ। और हनुमान जी के रूप में अपने योगी जी, तो मैं अपने मोदी जी, राम जी और हनुमान जी योगी जी को अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पंच चक्र हनुमान चालीसा ग्रुप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाते, जिस प्रकार हम लोग गिलहरी के रूप में एक छोटा सा कार्य करते हैं, प्रत्येक मंगलवार को दवा वितरण करते हैं, कभी कंबल रजाई, हम लोग ने निर्णय लिया है कि मंगलवार को इस बार प्रभु श्री राम आ गए तो सभी माताएं बहनों को हम लोग शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे, चूँकि मेरे प्रभु राम आ गए। ठीक है राम सेवक जी, चूँकि हम आपको राजकुमार पटेल नहीं कहेंगे, हम आपको राम सेवक ही बोलेंगे, क्योंकि आपने इस तरह की सेवा भाव हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या उस समय आपकी उम्र थी और जब आप अयोध्या गए, क्योंकि उस समय काशी से अयोध्या जाना भी एक बड़ा एक जैसे एक बड़े पहाड़ पर या बड़े सफल लक्ष्य पर जाने की बात होती है, तो यहाँ से जब काशी से आप अयोध्या गए तो क्या आपके घर वाले नहीं रोके? दूसरी चीज़ कि जब आप अयोध्या पहुँचे तो वहाँ का क्या मंजर था और आप पर क्या बीती? हम लोग
बरेली सुपर फास्ट पैसेंजर वाराणसी से चलता था जो फोर में वहाँ उतार देता था। और यह क्रम हम लोग कई साल अयोध्या जाते थे कार सेवक के रूप में। लेकिन हमारी माँ, मैं उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, कभी माँ ने मेरा विरोध नहीं किया। अलबत्त उस माँ ने मुझे कभी पराठा कभी पूड़ी बनाकर दे देती थी कि भोर में उतरोगे तो वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, तुम खा लेना। और माँ की प्रेरणा ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। 6 दिसंबर 1992 की घटना आज भी मैं अपने आँखों से देखता हूँ तो मुझे वह हर्ष होता है, मुझे वह गौरव होता है कि 550 साल का पाप हम कहेंगे, भले सुप्रीम कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा ही कहा, लेकिन जिस विवादित ढांचे को लेकर हिंदू प्रताड़ित होता था, वह हिंदू के मन पर कितनी बड़ी पीड़ा होती थी कि आज राम के देश में राम का मंदिर नहीं है और सिर्फ सियासत होती थी, सरकारें बदलती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 मैं कल्याण सिंह उस समय हनुमान के रूप एक राम की भूमिका में थे, कल्याण सिंह मैं ये कहूँगा, हनुमान की भूमिका में विनय कटियार जी थे, बजरंग दल के संयोजक, राष्ट्रीय बजरंग दल संयोजक थे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है, ये भी मैं मानता हूँ, जैसे अशोक सिंघल जी हैं, विनय कटियार जी हैं, वैसे अडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, तो उस समय की युवा हमारी साध्वी नेत्री जो है साध्वी रितंबरा थी। रितंबरा के नारे और ओजस्वी भाषणों से कार सेवक प्रभावित होता था। और उस दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ, उस साध्वी रितंबरा जी को, कि जिनके साथ हम लोगों ने कभी कार सेवापुरम में तो कभी सभाओं में उनके साथ भी हमको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, इसमें कोई आह्वान तोड़ने के लिए नहीं किया था, नेतृत्व कोई भी हो, चाहे वह मुरली मनोहर जोशी जी हो, श्रद्धे अडवाणी जी हो, कोई भी हो, कोई ढांचे विवादित ढांचा को तोड़ने के पक्ष में नहीं था। लेकिन कार सेवक जो सरजू का जल ले लेके हम लोग थक गए थे हमेशा कि सरजू से जल लाना है और श्री राम चौतरे पर चढ़ा के राम कीर्तन करना है, हम कार सेवक थक चुके थे कि यह इस प्रकार का अयोध्या आना हमारा व्यर्थ है, जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ किसी काम का नहीं। तो कार सेवक के अंदर एक भाव जगा, क्यों ना आज इस विवादित कलंकित ढांचे को ढा दिया जाए। कुछ महाराष्ट्र के कार सेवक पहले चढ़े, फिर उसके बाद हर कार सेवक के अंदर एक जोश आया और एक नारा उस समय गूंजा, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और वह नारा मन को छू गया कि रोज का यह ड्रामा है, सरजू से जल लेना है और जल को छिड़कना है, राम कीर्तन करना है। तो हम लोगों ने तय किया कि प्राण ये राम का है, ये शरीर राम का है, इसमें जो ब्लड है वह भी राम का है, यह पूरा मानुष तन अगर राम का है तो आज राम के लिए हम लोग समर्पित होने के लिए तैयार हैं। जिस समय ढांचा ढहाया गया, प्रशासन को क्या अगली दिन सुबह में या उस समय ढांचा ढहाने के बाद क्या उसके पास कोई सबूत मिला था या कोई ईंट पत्थर ऐसा कुछ मिला था? नहीं नहीं, ये सारे वैज्ञानिक यहाँ पर फेल हो गए और सबने यह इतनी बड़ी इमारत, मस्जिद, बाबरी मस्जिद, कलंकित मस्जिद, मात्र 10:30 बजे से लेके 4:30 बजे के अंदर टूटा और इतनी बड़ी मस्जिद गिरी, उसके बाद वहाँ एक भी मलबा नहीं बचा, एक भी ईटा नहीं बचा। वो ईटा को सभी कार सेवक अपने गौरव के लिए उठाकर ले गए और ये लोगों ने आकलन भी नहीं लगाया कि इतनी बड़ी मस्जिद का मलबा गया कहाँ। और सबसे गंभीर बात वहाँ ये थी कि जब मैं बीच वाले ढांचे पर चढ़ा तो सभी कार सेवक इतने उत्साहित थे कि एक कार सेवक ऊपर तोड़ रहा है तो उसके नीचे भी एक कार सेवक तोड़ रहे थे, तो उसके नीचे भी तोड़ रहे थे। यानी जब मैं ढांचे से गिरा हूँ, तीन चार के बीच में गिरा, तो अयोध्या का हॉस्पिटल संभवतः लग रहा है फूल हो गया होगा। तो मुझे बेहोशी की हालत में श्री राम हॉस्पिटल फैजाबाद ले गया गया। तो जब हम सुबह आँख खोलते तो वहाँ माताएं बहनें चाय लेके, मक्खन टोस लेके, रो रो के हमारा खा लीजिए, हमारा पी लीजिए, इस प्रकार का भाव था। तो आप कल्पना करिए कि सुबह वहाँ पे जब हम फैजाबाद हॉस्पिटल में पाए गए अपने को, तो उसके बाद
जब हमें होश आया तो हम अपने को जैसे लगा कि मतलब हम क्या बतावें, उस समय जैसे लग रहा था कि रावण को संहार करके हम आ रहे हैं, यानी राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। अब हमारे मन में यह भाव था कि प्रभु श्री राम, ये जो सौगंध हमने खाई है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो छोटा सा बन गया, टेंट में प्रभु राम आ गए, लेकिन अगर उनको घर देने का कोई काम किया, उनको क्या कोई घर देगा जो सबको घर देते हैं। लेकिन उस नेतृत्व को मैं धन्य कहता हूँ, अपने मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, जो इसमें राम की भूमिका और हनुमान की भूमिका में अपने योगी जी हैं। मैं अपने ग्रुप की तरफ से उनको अभिनंदन वंदन करता हूँ। हम अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस समय अभी वर्तमान में आपको कोई भी बात शेयर करने के लिए तमाम तरह के रिसोर्सेज हैं, व्हाट्सएप हैं, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, मोबाइल है, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टिविटी करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन होता था, वो भी जो उंगलियों से घुमाया जाता था, और वो भी फ़ोन सभी के घरों में नहीं होता था, 5,000-10,000 लोगों के सिर्फ एक घर में फ़ोन होता था। तो सूचनाएं के जो माध्यम होती थी वो बहुत कम होती थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक आह्वान पर अशोक सिंघल जी ने अयोध्या से एक आह्वान किया, एक मंच से आह्वान किया उन्होंने, और लाखों की तादाद में क्या महिला, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, सारे लोग अयोध्या पहुंच गए, और इतना ज़्यादा वहाँ भीड़ हो गया कि मुलायम सिंह यादव को, वर्तमान उस समय के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह को अगले दिन गोली चलानी पड़ी कार सेवकों पर, यानी कि राम सेवकों को सरजीव नदी में तत्काल बहा दिया गया, कि ताकि मीडिया में कल को ये बात ना है और आपाधापी की बात ना हो पाए। अब हम राजकुमार जी, हम आपसे अब आप राजनीतिक थोड़ा बात करेंगे, क्या अभी जब चुनाव जब आता है तो तमाम जो अभी विपक्ष की पार्टियां हैं, कोई टोपी लगा लेगा, कोई चादर चढ़ा देता है, तो अब जब मोदी जी हैं या अब जब चुनाव अभी 2024 आ रहा है, तो क्या ये लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, ये गयासुद्दीन गाजी, एक गयासुद्दीन गाजी था जो दिल्ली में कोतवाल था, उसके लड़के मोइन खान, मोतीलाल नेहरू बाद में, फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो एक जो एक मुस्लिम परंपरा रही, अब जिसे मैं इंदिरा गांधी को कोट करता हूँ कि नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अफगानिस्तान दौरे में इंदिरा गांधी ने बाबर की मजार पे फातिया पढ़ा, दुर्गा दास उनके निजी सचिव थी। तो जब दुर्गा दास ने पता लगाया, मैम कहाँ है मैडम, तो पता लगा कि बाबर की मजार पे वह फातिया पढ़ रही हैं, हाथ जोड़ के सजदा कर रही हैं। तो इस प्रकार का जो इनकी परंपरा रही है नेहरू खानदान की, अगर मैं फिरोज गांधी को कोट करूं, तो इंदिरा गांधी ने भागकर, फिरोज खान था, पारसी मुसलमान था, यानी आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, या कांग्रेस को इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इंदिरा गांधी लंदन की मस्जिद में फिरोज खान से निकाह की। कहना चाहेंगे कि जब कारसेवकों पर गोली चला दी गई, तो आप लोग शायद हो सकता है मौजूद हों, चाहे अस्पताल में रहे हों, परिवार में जब इस तरह की सूचना गई होगी कि कारसेवकों पर गोली चलाई गई, तो क्या आपके परिवार पर आप बीती होगी, थोड़ा सा हमें ये बताएं। वो क्षण जब मुझे गिरफ्तार किया गया अयोध्या से, तो मुझे इतना घुमाया गया गाड़ियों से, तो हम सोचे आज भी मेरा कहीं ना कहीं पुलिस हमें मार देगी। तो मुझे ले आकर बंद करती है गाजीपुर, पुरातत्व विभाग है लॉर्ड कार्नोलिस के सामने, अस्थाई जेल बनाई थी उसमें बंद कर दी। हमारे साथ शंकर प्रसाद जायसवाल, पूर्व सांसद, और हरिमानी हरीश जी, जो नहीं हम लोगों के बीच में दोनों पूज्य, तो उस समय भाजपा के फाउंडेशन मेंबर दोनों थे, तो उनके साथ हम 13 दिन जेल में बंद रहे। लेकिन वो घटना तो आप कल्पना करिए कि मतलब हम बता नहीं सकते। जब हम ढांचे पर से हम अपनी बात बताए गिरे, तो हमारे साथी ये घर आके बताए कि ये राजकुमार ढांचे पर चढ़ा था, फिर कहाँ गया, इसकी सूचना मेरे घर नहीं आई, तो मेरी माँ ने समझा कि मेरा बेटा मर गया। तो एक मातम सा मेरे परिवार में छा गया, और
मोबाइल था नहीं, टेलीफोन के माध्यम से आने लगा कि ये अयोध्या गया था और ढांचे पर चढ़ा था, पता नहीं फिर कहाँ गया। तो मैं चार दिन बाद जब घर आया, उस समय कर्फ्यू लगा था बनारस में भी, तो मुझे 50 मोचन पे एक दरोगा ने रोक लिया, चूँकि चेहरा एकदम फूला था, चोट मज़े की लगी थी। तो दरोगा से जब मैं दरोगा हमको रोक लिया और पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो हमने उसको सहजता से बताया कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ के आ रहे हैं। मैं उस दरोगा की बात बताऊं, वो दरोगा है कि नहीं, तब क्या बोला वो उस दरोगा ने? दरोगा ने मुझे बैठा लिया, कहा बेटा तुम बैठो और थोड़ा हमको बताओ कि बाबरी मस्जिद कैसे टूटी। और उसने मेरा अभिवादन किया और दरोगा के आँख में भी आंसू आ गया। फिर मुझे वो घर लेके आया, कर्फ्यू का माहौल था, तो घर पे दिखाया कि ये मेरा घर है। तो जब घर पे मैं सिकड़ी पिटा तो परिवार को नहीं लगा कि हम ही हैं। जब परिवार के लोग खोले तो हमारा मुंह सूजा था, कर्फ्यू का माहौल था, रात को 8 बज रहा था। किसी तरह हम भाग भूग के घर आए थे, तो मोहल्ले वाले को बड़ी उत्साह हो गई कि राजकुमार आ गया, बच गया, बच गया। यानी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते फिर बाद में सूचना आई कि राजकुमार जो है ये बच गए, कार्शिव मंदिर पर चढ़े थे, घायल हुए, श्रीराम हॉस्पिटल फैजाबाद में, वाहिनी प्रमुख हुआ करते थे उस समय। लेकिन आप मानिए कि वह मेरी माँ और मेरे परिवार। अच्छा, अब जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से या कहें या फिर तमाम सभी लोगों के वजह से अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, कितनी खुशी है हृदय में और इसको किस तरह से आप व्यक्त करेंगे एक आम जनमानस में? देखिए, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन, प्रभु श्री राम को पाने के लिए आपको निर्मल मन रखना होगा। आज राम मंदिर बन रहा है तो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो हमको यहीं से प्रभु श्री राम का वो सब क्षण व्यतीत हो रहा है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम कभी कभी टीवी देख के मतलब रो देते हैं कि हमने वो अपना जीवन प्रभु श्री राम के लिए लगा दिया था कि आज वह दिन मुझे फिर से दिखाई पड़ रहा है। जिस सौगंध को हम खाए थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो एक कारसेवक के मन में, एक भक्त के मन में इससे बड़ी खुशी और लहर क्या होगी। भले हमें कोई संगठन का पूछे या न पूछे, लेकिन एक राम भक्त होने के नाते यह जीवन हमारा धन्य हो गया और मोदी और योगी जी के लिए पूरा जीवन हमारा समर्पित। अभी हाल ही में मतलब कल ही ओवीसी साहब बयान दिए हैं कि 500 वर्ष से हम लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते थे और बड़े ही गुपचुप तरीके से हमारा मस्जिद छीन लिया गया, इसको देखते हुए क्या मानते हैं? उनका मस्जिद नहीं था, मैं ये दावे कर सकता हूँ। उनका भारत में कोई भी संपत्ति, कोई लुटेरा डकैत आकर बना दे तो वह उनका मस्जिद नहीं था, वह भारत की संपत्ति थी। कारसेवकों ने अपने संपत्ति को, विवादित ढांचे को हुआ से हटा दिया। ओवैसी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वज को स्मरण करिए। आपके पूर्वज, जो कि सुनने में आता है ऐसे कि बहुत बार चर्चा में आई कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, तो मैं उस ब्राह्मण परिवार, जो आत्मा उनकी भटक रही है, आज उनकी आत्मा तृप्त हो गई कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ठीक है ओवैसी जी, आपने आपके पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी यही भारत के हिस्से हैं, प्रभु श्री राम की आत्मा आप में भी बसती है। कांग्रेस भी और ओवैसी साहब दोनों लोग कहते हैं कि पहले राम नहीं हे राम बोला जाता था, जब गांधी जी मरे थे तो हे राम बोले थे, जय श्री राम थोड़ी ना बोले थे। देखिए, हे राम गांधी जी ने मरते वक्त कहा था, गांधी जी जब मरे तो उनके मुंह से हे राम निकला है। तो राम कहीं ना कहीं गांधी का एक मार्गदर्शन, एक सपना थे। आज गांधी जी की भी आत्मा तृप्त हो गई कि जो काम हम नहीं कर पाए, नेहरू नहीं कर पाया, वह काम नरेंद्र मोदी करते कर दिए। तो आज महात्मा गांधी भी आज स्वर्ग में बड़े आनंद ले रहे होंगे कि मैं जो काम नहीं कर, मेरा राम सपना थे, संकल्प थे, आज वह पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए महात्मा गांधी जी के भी आत्मा को शांति मिली होगी। तो ये थे राजकुमार पटेल जी, जो एक कार सेवक के रूप में हैं, राम सेवक भी हैं। तो इन्होंने बताया कि जो कार सेवक थे, मतलब एक अगर ऊपर का ईंटा तोड़ रहा था तो दूसरा उसके नीचे और तीसरा उसके नीचे तोड़ रहा था। तो हालांकि खैर, अब तो राम मंदिर अब बनने को तैयार है,
और अब तैयारी भी अभी जोर शोर से अयोध्या में चल रही है, और सभी हमें लगता है पूरा भारत क्या पूरे विश्व भी राममय हो चुका है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।